उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। यात्रा के चौथे धाम बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं। बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। सुबह से ही बद्रीनाथ धाम के बाहर बर्फबारी हो रही है। इसके बाद भी सैकड़ों श्रद्धालु धाम के बाहर जुट रहे। इस दौरान आर्मी बैंड धुने बजाता रहा और लोगों ने जय बद्री विशाल के नारे लगाए। इसके पहले आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह मंदिर से पांडुकेश्वर को रवाना हुई थी। इसके पहले 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 6:20 पर खोले गए। मंदिर के मुख्य पुजारी जगत गुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य ने मंदिर के कपाट खोले। मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। खराब मौसम के कारण मंदिर जाने वाले हजारों तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। हालांकि पहले दिन 8,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए थे। -6 डिग्री तापमान के बाद भी सुबह 4 बजे से मंदिर के बाहर दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी थी। उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ के पैदल रास्ते में भारी बर्फबारी और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए केदारनाथ धाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक रोक दिया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।